हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्किट लॉ, और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ एनसीईआरटी के बारे में। इस टॉपिक के रिलेटेड एनसीईआरटी में कुछ कमियां हैं, वो भी यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? सो बने रहिए। सो लेट अस स्टार्ट एम्पियर्स सर्किट लॉ। सो पेन और कॉपी निकाल दीजिए, नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? जिसको नोट करना, नोट नहीं करना है, नोट रेडीमेड नोट चाहिए उसको, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा जिस पे काम चल रहा है, और एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप लोग अब डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? पढ़ेंगे हम एम्पियर्स सर्किट लॉ, एम्पियर्स एम्पियर्स सर्किट लॉ, ठीक है? एम्पियर्स सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ क्या है? पहले लॉ के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में इसको इसके बारे में मैं डिटेल्स में आज बताऊंगा, इतना डिटेल्स बताऊंगा कि और कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं है। सो एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इट स्टेट्स, इसके स्टेटमेंट देखते हैं, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अराउंड ए क्लोज्ड लूप और पाथ इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी परमीएबिलिटी टाइम्स, परमीएबिलिटी मतलब यहां पे म्यू नॉट, टाइम्स द करंट करंट एनक्लोज्ड एनक्लोज्ड बाय दैट लूप, ठीक है? तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। बहुत लंबा चौड़ा, बहुत टफ, मतलब सोच रहे हो कि ये क्या सर लिख दिया इतना भयानक। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप और पाथ इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी दैट इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। इतना लिख लो, फिर इसको समझते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है? नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन हो गया, ठीक है? तो देखो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप। तो एक्चुअली मैं एम्पियर सर्किट लॉ क्या, धीरे 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 बताता हूँ। देखो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से क्या निकल रहा था, फोर्स निकल रहा था, उससे मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लेते। लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर कोई स्ट्रक्चर आ रहा था जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है, तो उसके वजह से हम कूलम्स लॉ अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ कूलम्स लॉ हमने क्या अप्लाई किया, गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। उसी तरह से ये भी एक, उसी तरह से हम मैग्नेटिक जो मैग्नेटोस्टैटिक्स है, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्चुअली क्या है, मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या है कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो सेवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? लेकिन हर जगह बायो सेवर्ट्स लॉ का यूज करेंगे ऐसा भी नहीं है, उसमें कुछ लिमिटेशन है, टफ होगा। तो एक ऑल्टरनेट मेथड है जिससे हम यूज कर सकते हैं, जो है एम्पियर सर्किट लॉ। ये क्या है, ऑल्टरनेट मेथड, बायो सेवर्ट्स लॉ के जगह पे इसको भी यूज, इसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सिस्टम, सिस्टम बोल रहा हूं मैं। तो एक्चुअली में क्या है, ये एक ऑल्टरनेट मेथड है, किसके ऑल्टरनेट मेथड, किस लिए, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, ठीक है? इसमें क्या क्या रूल्स है, ये कैसे काम करता है, देखो जैसे कि एक सपोज एक वायर है, एक वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि सपोज एक लूप है, एक लूप है, ठीक है? हमने एक लूप, लूप मतलब एक सर्कल बनाया, सर्कल तार का, तार का, या फिर कुछ ऐसे ही एक रस्सी लेके बना दिया ऐसे, ठीक है? सर्कल है, इट इज ए लूप, इसको लूप बोलेंगे, ठीक है? रुको, इसको थोड़ा दूसरे तरीके समझाता हूं तो आसानी से। सपोज कि एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, ठीक है? इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, हमें इस पॉइंट पे
मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे इस वायर की वजह से, इस वायर में करंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बायर सबर्ट लॉ का यूज करेंगे। लेकिन हम इंस्टेड ऑफ बायर सबर्ट लॉ हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट तुमने ऑलरेडी लिख लिया, अब उस स्टेटमेंट का हम इसमें यूज करके मैं दिखाता हूँ, उस स्टेटमेंट को समझाता हूँ। तो क्या करना है एम्पियर सर्किट लॉ में, क्या करना है कि ये जो पॉइंट हमने लिया है जहां पे हमको फील्ड निकालना है, टेकिंग दिस पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ एन एम्पिरियन लूप, एक लूप बनाना है इस पॉइंट को लेकर, इस पॉइंट को उस लूप पे, ये जो लूप बनाया है उस पे ये पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। एम्पिरियन लूप कैसा होगा, ये एम्पिरियन लूप जो है ये एक, ये क्या है एम्पिरियन, एम्पिरियन लूप, जैसे क्या करो गॉस लॉ, गॉस लॉ में क्या कर रहे थे, एक सरफेस बनाते थे, गॉसियन सरफेस, स्फीयर बनाते थे, सिलेंडर बनाते थे या क्यूबॉइड बनाते थे। लेकिन यहां पे क्या करना है कि एक एक सर्कल बनाना है, टेकिंग दिस पॉइंट ऑन दैट सर्कुलर पाथ वी हैव टू ड्रॉ ए पाथ, क्लोज पाथ, जिसको हम बोलेंगे एम्पिरियन लूप, ठीक है एम्पिरियन लूप। यहां पे फिर क्या करना है कि हमें यहां पे एक एलिमेंट लेना है, अभी इस लूप में कहीं भी एलिमेंट लेना है, छोटा छोटा पीसेस लेना है, ये एलिमेंट, ठीक है एलिमेंट लेना है। उसके बाद क्या करना है कि इस लूप को एक डायरेक्शन देना है, एक्चुअली में ये जो लॉ अप्लाई होगा ना, ये जो लॉ हम अप्लाई करेंगे, ये जो लॉ अप्लाई करेंगे, इस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ रूल्स साइन कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा कि लूप का डायरेक्शन जो होगा, लूप का जो भी डायरेक्शन होगा उधर हमें क्या करना, लूप का जो भी डायरेक्शन होगा, सपोज ये वायर है ना, ये वायर है, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो करंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, किधर होगा इस तरह होगा ना, इस तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो आप हमें क्या करना है कि अगर मेरा लूप का ये डायरेक्शन है, सपोज करंट का भूल जाओ, सोचो कि लूप का ये डायरेक्शन तो हमने लिया है, हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है देन यू पॉइंट योर फिंगर्स, दिस फिंगर्स कर्ल, दिस फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दैट लूप, लूप का जो डायरेक्शन उधर हमको कर्ल करना है, उधर हमको क्या करना है कर्ल करना है। तो जो थंब जो होगा ना, थंब, थंब किसका डायरेक्शन देगा, करंट का डायरेक्शन देगा। तो थंब जो डायरेक्शन देगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, थंब जो डायरेक्शन देगा ऐसे ऐसे कर दिया ना, तो ये कि ऐसे, ये लूप कैसे ऐसे ना, ऐसे, तो ऐसे हमने किया तो थंब क्या दिखा रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है। लेकिन अगर यही ऐसा होता लूप में, ऐसा होता, ठीक है लूप में ऐसा होता, ऐसा, तो अभी क्या करते हैं इस तरफ से निगेटिव डायरेक्शन दिखाते, ठीक है निगेटिव डायरेक्शन था, अभी ये जो करंट का डायरेक्शन होता वो निगेटिव डायरेक्शन, मतलब निगेटिव मान लेते करंट को उस टाइम, निगेटिव मान लेते, ठीक है। सो ये एक चीज साइन कन्वेंशन याद रखना। उसके बाद क्या करना है कि एलिमेंट लेना है, एलिमेंट छोटे छोटे एलिमेंट्स लेना है। यहाँ पे हमने डीएल एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे ले लो कहीं भी, और इस एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा, इस एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो लूप के डायरेक्शन में होगा, मतलब लूप का डायरेक्शन क्या है, ये ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन, तो ये डीएल का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, ठीक है ये लूप का डायरेक्शन भी इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, मतलब लूप के डायरेक्शन में ही लेना है। और यहाँ पे लूप के डायरेक्शन में कौन है डायरेक्टेड, मैग्नेटिक फील्ड, तो लूप के डायरेक्शन में ही इस डीएल का डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू यूज। नाउ उसके बाद क्या करना है, सपोज इसमें करंट जो है वो आई है, इस वायर में करंट आई है, और इस वायर के चारों तरफ हमने क्या ड्रॉ किया, एक लूप ड्रॉ किया, उसमें हमने एलिमेंट लिया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, तो बोल रहा है कि इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी डॉट डी एल, ये बोल रहा है कि बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट कर दो इस जगह पे, डीएल में बी को, बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट कर दो, यहां पे बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट कर दो, कहीं भी लो, यहां पे एक बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है यहां पे एक बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट कर दो, और इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट मतलब अल्टीमेटली क्या है, ये सम कर रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ समेशन वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन, क्यों, दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, तो इंटीग्रेट कर दो। बी डॉट डीएल को इंटीग्रेट करने से हमको क्या लिखेंगे, वो कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स इस लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया, यहां पे कितना करंट एनक्लोज किया है, आई। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ यही बोल रहा है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ
लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ. क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड विद इन दैट लूप. लूप जो हमने बनाया है उस लूप के अंदर कितना करंट है उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, फिर अब थोड़ा सा और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आसानी से तो बताता हूँ. ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख लेना है. स्टेटमेंट के बाद मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड. ये एनक्लोज्ड होगा. ठीक है, आई जो किया है एनक्लोज्ड मतलब अंदर, मतलब इनसाइड भी लिख सकते हो. तो अभी देखो, सपोज कि ये लूप है, इसमें दो करंट है, दो वायर है, एक में करंट ऊपर जा रहा है, एक में करंट नीचे जा रहा है. ठीक है, एक में करंट ऊपर, एक में करंट नीचे. तो इसके अंदर, इस लूप के अंदर, सपोज ये लूप का डायरेक्शन, हमने लूप का एक डायरेक्शन सेट कर दिया. ठीक है, ये आई वन ऊपर जा रहा है, आई टू नीचे आ रहा है. तो अब इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड. अब करंट एनक्लोज कितना है, एक आई वन भी है, आई टू भी है, तो कौन प्लस है कौन माइनस है, हमें क्या करना है, ये फिंगर्स को, फिंगर को, इन फिंगर्स को क्या करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ लूप. लूप का डायरेक्शन ये है ना, ये ना लूप का डायरेक्शन, तो लूप के डायरेक्शन में इसको रखना है. लूप के डायरेक्शन में रखेंगे अगर, तो कौन सा फिंगर की तरफ कौन सा करंट, ये थंब की तरफ कौन सा, ये वाला थंब के ऑपोजिट कौन है, ये, तो थंब के डायरेक्शन में जो है वो क्या प्लस, और जो ऑपोजिट है वो क्या है माइनस. सो यहाँ पे नेट करंट कितना होगा, आई वन, दोनों करंट है ना, तो आई वन प्लस आई टू होना चाहिए, लेकिन एक प्लस और एक माइनस होगा, क्योंकि थंब के डायरेक्शन वाले को प्लस और ऑपोजिट वाले को माइनस लेना है, तो आई वन माइनस आई टू. सो दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किट लूप. ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे, कहां पे कर सकते हैं, अब यहां पे मैं थोड़ा एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा. ठीक है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलती है, मतलब बोलते हैं कि गलती नहीं है, बट एक्चुअली वहां पे भी गलती है. ठीक है, कुछ तो छोड़ दिया उन्होंने. तो एम्पियर सर्किट लॉ को यूज कैसे कर सकते, कहां पे कर सकते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ को हर जगह यूज कर सकते हैं. एनसीईआरटी कहता है हर जगह यूज नहीं कर सकते, हर जगह यूज नहीं कर सकते हम, लेकिन बाकी सब बड़े बड़े बुक्स, बड़े बड़े राइटर्स ने लिखा है कि हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन लेकिन कंडीशन है कि हर जगह यूज करने में क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है, हर जगह यूज करने से हमें बहुत बड़े बड़े मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़े, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. लेकिन एनसीईआरटी डायरेक्टली कहती है कि हम यूज ही नहीं कर सकते, हर जगह यूज नहीं कर सकते. तो ये कहां पे यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी कहां पे कहता है यूज करने के लिए, और हम भी वहीं पे यूज करेंगे. लेकिन हम, मैं क्या बोल रहा हूं कि इट इज यूजफुल, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर. इस लॉ को हम किसी भी शेप की वजह से, करंट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी शेप की वजह से, हम मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट निकाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसको यूज कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं, कहां पे, इट कैन बी यूज्ड when number one, magnetic field B is tangential or non-zero constant. ठीक है, मतलब वहां पे यूज कर सकते हैं इस, देखो ये यही बात जो है एनसीईआरटी में बोला है कि हम यही पे यूज कर सकते हैं. लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि इस, ये तो यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं. एक्चुअली क्या है कि इस लॉ को जब ये कंडीशन हो कि बी टेंजेंशियल हो, टेंजेंशियल मतलब हमारा लूप जो है, ये लूप है ना हमारा, तो हमने एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, तो यहाँ पे ये लूप, ये कैसा होना चाहिए, टेंजेंशियल, बी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होना चाहिए, टेंजेंशियल होना चाहिए, साथ में नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब बी जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, और बी जो है वो क्या होना चाहिए, बी का क्या होना चाहिए, हर लूप में, हर जगह पे बी जो है वो बी ही रहना चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए, कहीं भी हो वो बी जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, हर जगह बी कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द वन कंडीशन वेयर वी कैन यूज दिस एम्पियर सर्किट लॉ इजिली. बट एनसीईआरटी सेज दिस कैन बी यूज्ड ओनली ऑन दिस कंडीशन. नहीं, हमेशा हम सिर्फ इसी कंडीशन में यूज करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है. इसको हम किसी भी कंडीशन, इस लॉ को हम किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन आसानी से हम इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं. दूसरा क्या बोल रहे हैं, दूसरा कहां पे यूज कर सकते हैं, कि बी जो है वो, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लूप, लूप के परपेंडिकुलर हो, मतलब ये लूप है. ठीक है, ये एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है ये डीएल, तो
ये इस तरह से होना चाहिए बी, ये डीएल है, ये डीएल का डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन तो इस तरह से होना चाहिए, मतलब डीएल और बी के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, तब भी आसानी से यूज कर सकते हैं। नंबर थ्री यूज कर सकते हैं बी वैनिशस, वैनिशस वैनिशस मतलब बी इज इक्वल टू, दैट इज बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब बी जीरो हो जाए तब भी आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द थ्री कंडीशन, दीज आर द थ्री कंडीशन यू कैन से वेयर यू कैन यूज एम्पियर सर्किटर लॉ इजिली, बट एनसीईआरटी सेज ओनली वी कैन यूज दिस, ओनली वी कैन यूज इन दीज कंडीशन टू सॉल्व दिस एम्पियर सर्किटर लॉ। ठीक, एम्पियर सर्किट लॉ को हम यहीं पे यूज कर सकते हैं, ऐसा कौन बोलता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअली में यहीं पे नहीं, यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं और बाकी किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस एम्पियर सर्किट लॉ एनीवेयर। सो एम्पियर सर्किट लॉ समझ में आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा मैथमेटिकल चीज को प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है, कोई इंटीग्रेशन बी डॉट, यही ना, यही तो है इसका, कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये हमको प्रूफ करना है मैथमेटिकली, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, सो कंसिडर ए वायर, लिखना है, लिखने के लिए तो खुद लिखना है, कंसिडर जो जो बोल रहा हूं वही लिखना है। कंसिडर ए वायर कैरिंग करंट आई, कंसिडर ए वायर कैरिंग करंट आई, टेक ए पॉइंट पी, टेक ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर कैरिंग करंट। ठीक है, एक पॉइंट हमने ले लिया पी जो कि आर डिस्टेंस दूर है इस करंट कैरिंग वायर से, तो एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमने निकाला था, किस निकाला था ना, निकाला था हमने, कैसे निकाला था, बायो सेबर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करके निकाला था, बी इज इक्वल टू कितना निकाला था, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई आर, ये हमने निकाला था, यहां पे कितना टू आई बाई आर। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब हमें क्या करना है, एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप बनाना है, लूप, एक लूप बनाते हैं, टेकिंग दिस पॉइंट पी, टेकिंग दिस पॉइंट पी एंड रेडियस आर, ड्रॉ ए सर्कुलर लूप अराउंड द वायर कैरिंग करंट। ठीक है, टेक एन एलिमेंट एट दिस पॉइंट, एक एलिमेंट लेते हैं, यहां पे करंट ऐसे ऊपर की तरफ करंट है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, तो लूप के डायरेक्शन में, ये डीएल जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा, लूप के डायरेक्शन में होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी डीएल का डायरेक्शन है, मतलब बोथ मैग्नेटिक फील्ड, बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इस एलिमेंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे बी है, इस एलिमेंट में कितना होगा, बी डॉट डी एल होगा, बी डॉट डी एल होगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा मैग्नीट्यूड, बी डॉट डी एल है, तो पूरे लूप में कितना होगा, पूरे लूप में कितना होगा, टोटल इंटीग्रेशन कर दो, लाइन इंटीग्रेशन ऐसा बहुत, पूरे लूप में इंटीग्रेट कर देंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी, बी डॉट डी एल है ना, बी डॉट डी एल, तो इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, कॉस थीटा, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन, सो बी डी एल। बी क्या है, लूप में हर जगह बी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तो लूप में हर जगह बी क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इनटू इंटीग्रेशन क्या रहेगा, डीएल, डीएल को इंटीग्रेट करूंगा तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, पूरा लूप का लेंथ, पूरे लूप का लेंथ क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा, क्योंकि ये तो सर्कल है ना, सो यू गेट बी इंटू टू पाई आर, बी का वैल्यू क्या है, ये पुट करो उसको, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई आर इंटू टू पाई आर, काटो, कौन कौन कट रहा है, देखो ये आर कट गया, पाई पाई कट गया, ये टू टू जा फोर और ये फोर कट गया, बचा क्या, म्यू नॉट आई, और यही तो है एम्पियर्स सर्किटर लो, यही तो है ना एम्पियर सर्किटर लो, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यार आई इज द करंट एनक्लोज विद इन दिस लूप, सो दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर्स सर्किट लॉ। ठीक है, नोट कर लो इसको, थोड़ा लैंग्वेज लिख लेना, नोट कर लो इसको। हाँ भैया जी, समझ में आ गया, आई थिंक मजा आया ना।
मजा आया। ओके तो आप देखो इसका अप्लाई, इसको अप्लाई करते हैं ठीक है। लेट अस स्टार्ट इट्स एप्लीकेशन, इसको अप्लाई करेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे अभी, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ एप्लीकेशन, इसको अप्लाई करते हैं ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ तो कहां पे यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हम इसको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट इनसाइड और ड्यू टू, ड्यू टू ए सोलेनोइड, सोलेनोइड एट अ पॉइंट ड्यू टू सोलेनोइड, एक सोलेनोइड की वजह से। सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड क्या होता है बता, आसान है, सोलेनोइड क्या होता है देखो, लंबा सा एक वायर लो, लंबा सा ठीक है, थिन लॉन्ग वायर, इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड मतलब ऊपर से कोटिंग होना चाहिए, कॉपर का वायर ले लो, ऊपर से कोटिंग, इंसुलेटर इंसुलेट कर दो उसको, कोटिंग ऊपर से कोटिंग कर दो और उसको लपेट दो, लपेट दो मतलब कैसे लपेट दो, लपेटे में लेना है उसको, कैसे लपेटे में लेना है, इस तरह से, 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 और ये बन गया तुम्हारा सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है तो वैसे बता सकते हो, सोलेनोइड क्या है एक्चुअली, एक डिवाइस है ठीक है, व्हिच इज यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। कैसा होता है, लॉन्ग वायर ओंडेड, ओंडेड सच दैट इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज, लार्जर देन इट्स डायमीटर ठीक है। जब इसका लेंथ इतना, मतलब कॉयल को, कॉयल ही है उसको क्या करना है, लपेटते 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 उसका लेंथ इतना बड़ा कर देना है, डायमीटर से ज्यादा बड़ा कर देना है, बस वो क्या बन गया, एक सोलेनोइड बन गया, एक तार इधर एक तार, मतलब यही तार जो ऐसे घूम घूम के इधर आके निकला हुआ। तो जब इधर करंट देंगे तो करंट क्या होगा, ऐसे घूम घूम के जाएगा, इधर निकलेगा ठीक है ना। तो देख ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, ऊपर, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, ऐसे जाएगा ना, ऐसे करंट ऐसे जाएगा, ऐसे गया गया फिर ऊपर आएगा ठीक है ना। तो यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा नीचे, और यहाँ पे क्या होगा ऊपर ठीक, इसी तरह से हर जगह नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, एक्चुअली नीचे ऊपर नहीं है क्या, अंदर, ये नीचे जो दिख रहा है ना ये अंदर जा रहा है, और ये ऊपर जो दिख रहा है वो बाहर आ रहा है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर ठीक है। अब ये जो, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का डिवाइस है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का डिवाइस है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा पता कैसे करेंगे, पता करने का तरीका है यही वाला, अपना राइट हैंड, अपना राइट हैंड, दूसरे का राइट हैंड नहीं, अपना राइट हैंड ठीक है, मतलब मेरा राइट हैंड मैं इसको पता कर सकता हूं, इसी तरह से आप लोग अपना राइट हैंड से इसको पता कर सकते हैं। तो राइट हैंड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहाँ पे कर्लिंग फिंगर्स, ये जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स है, फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखना है, फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखना है, और थंब जो है वो क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। तो करंट कैसा है, ऐसे है ना, ऐसे जा रहा है ऊपर, देखो अंदर जा रहा है और नीचे से क्या बाहर आ रहा है, ऐसे ठीक है ना, ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ऐसे रखो तो ये थंब किधर है, इधर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है, वाह ऐसा बनता है, देखो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा बनता है सोलेनोइड के अंदर ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, इधर की तरफ, इधर की तरफ। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर में, ये बाहर में मैग्नेटिक सोलेनोइड के बाहर ना मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर होता है, ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर नहीं, मतलब नहीं होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है बाहर जो है, ये सोलेनोइड के बाहर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड, नाक पे लगा लिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, बहुत वीक होता है, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, उस साइड हो या इस साइड हो मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर जो है वो नहीं होता है, होता है बट बहुत ही वीक होता है, इसलिए उसको कहते हैं कि नहीं होता है ठीक है। सो दिस इज अबाउट, ये हो गया सोलेनोइड। अब इस तो होता कहां है, बाहर तो होता नहीं है, तो कहां होता है, अंदर होता है, ये अंदर, इसके अंदर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर, अंदर होता है, अंदर बीच में, बीच में जो ना सोलेनोइड का बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, साइड में आने के बाद वीक हो जाता है, बाहर एकदम एकदम कमजोर हो जाता है, कमजोर मतलब ना के बराबर, उसे छोड़ने लायक हो जाता है ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम कहां पे निकालेंगे, ऑब्वियसली बाहर नहीं है तो निकाल के क्या करेंगे हम,
हम बीच में अंदर निकालेंगे, ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या है, देखो निकालने का तरीका क्या है, तो ये सोलनॉइड का डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से ड्रॉ करेंगे। दूसरे तरीके से कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे करंट क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो अंदर की तरफ कोई भी चीज जाता है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रहा मेरा सोलेनॉइड, इसका एक स्केच बना लेते हैं, रफ डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको हम डिराइव करेंगे। सोलनॉइड ऐसा है ना, तो यहाँ पे क्या किया, ये ऊपर क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है करंट, जाने दो उसको, जाने दो, करंट गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, आने दो, रोको मत, ठीक है। जो आ रहा है उसको आने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो, ठीक है, हो गया। सोलेनॉइड है ये है मेरा सोलेनॉइड। अब क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये गाड़ी दिख रहा है ना, गाड़ी नहीं, ठीक है, मतलब ऐसे वायर है ना, ऐसे लपेटा हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वायर इस वायर में क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और इस वायर यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो अंदर बाहर होते होते मैं थक गया, ठीक है। अब इसको रख कर लेता हूँ, ये नहीं चाहिए हमको। अब देखो इसका डायरेक्ट, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, पॉइंट पी पे निकालेंगे, ठीक है। निकालना है हमें, क्या यूज करना है, एम्पियर का सर्किट लॉ, एम्पियर का सर्किट लॉ यूज करना है, मतलब एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पी को रख के हमें क्या करना पड़ेगा, एक एम्पिरियन लूप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम्पिरियन लूप जो है वो सर्कल नहीं बनेगा, तो यहाँ पे एम्पिरियन लूप क्या बनेगा, यहाँ पे एक एम्पिरियन लूप रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल एम्पिरियन लूप बना देते हैं, जिसका एक साइड बाहर एक साइड अंदर, इस तरह से, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं ए पी सी डी, इसका लेंथ है एल, इसका ब्रेथ है बी, लेंथ एल ब्रेथ बी, रेक्टेंगल बनाया हमने, ठीक है भैया जी, लेंथ एल, ओके। अब देखो यहां पे खेल लिख लिया, लिखना है इसको लैंग्वेज तो कहीं से बुक से उठा के लिख लो, नहीं मिलेगा तो मेरा वेबसाइट में मिलेगा, ठीक है। मैं अपलोड कर रहा हूँ, धीरे धीरे काम चल रहा है, तो एक बार अपलोड कर दूंगा सब नोट्स मिल जाएगा, फिर समझना है इसको, नहीं नहीं समझना। अब क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट को, यहाँ पे क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट लेना है ना, छोटा सा एलिमेंट डी एल, डी एल, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ना, इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा, हाँ, तो डीएल इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड, ठीक है। तो बी डॉट डीएल, अब यहां पे मैं अगर पूरे लूप में, ये लूप है ना, रेक्टेंगुलर लूप है, लूप में, तो लूप का नाम क्या है, ए बी सी डी, ये लूप है ए बी सी डी, किसको इंडिकेट करना है, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एन क्लोज, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एन क्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एन क्लोज्ड। बेटा अब यहीं पे खेल शुरू होगा। अब ये जो है ना, ये इसको देखो, एक दो तीन चार पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, चार पार्ट में इसको डिवाइड करो। एक तो है ए से बी, इंटीग्रेशन कहां से करेंगे, ए से लेके बी तक, एबीसीडी है ना इंटीग्रेशन पूरा, ए बी सी डी, तो पहले ए से लेके बी तक इस वाले को इंटीग्रेशन करेंगे, क्या किसको करेंगे, बी डॉट डी एल को करेंगे, प्लस फिर किसको करेंगे, बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक किसको करेंगे, बी डॉट डी एल करेंगे, प्लस फिर किसको करेंगे, इसे को कुछ नहीं करना है, ना 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 कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहां पे लिखना है, तो फिर क्या करना है, सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक B dot DL, फिर प्लस, फिर क्या बचा, D से लेके A तक किसको, B dot DL, हो गया, तो equal to mu not times current enclosed, अब इस current enclosed मतलब इस लूप के अंदर करंट कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो ये तो हमने कहीं कुछ किया ही नहीं, तो सपोज कि n number of turns, बहुत सारे टर्न्स है ना, ऐसे से घुमा हुआ, तो n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, और करंट हमने i दे दिया, सपोज यही वाला,
ये कहाँ गया, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा ये था ना, ये तो यहाँ पे करंट हमने आई दे दिया, तो हर टर्न में करंट कितना है, आई है, यही आई तो घूमेगा ना, हर टर्न में, टर्न TURN, हर टर्न में क्या होगा, वही आई घूमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कितना है, एन है, तो इस लेंथ में ये लेंथ कितना है, एल, तो इस लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, पर यूनिट लेंथ में एल है तो इस लेंथ में कितना होगा एन एल, और हर लेंथ हर टर्न में कितना करंट है आई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इसमें एन एल, तो करंट कितना होगा एन एल इन टू आई। हा बाबा रे, इतना खतरनाक नहीं, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं, तो हमको लिखना पड़ेगा ना, तो बाद में लिखेंगे इसको, तो करंट एनक्लोज्ड लिख देते हैं अभी, बाद में लिखेंगे, ठीक है, करंट एनक्लोज्ड। आप ध्यान से देखो, ए से बी डी एल, तो यही वाला है, मतलब डीएल 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 करके बी मिलेगा, डीएल 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 करके क्या मिलेगा, बी मिलेगा। बी किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये ना, ये तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ क्या हो गया, परपेंडिकुलर है, तो बी डॉट डीएल का मतलब क्या है, बी डीएल कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, लड्डू अंडा होता है, सो दिस विल बी ए अंडा, ठीक है। यहां पे बी से सी, बी से सी, बी डॉट डीएल करेंगे तो बी डॉट डीएल करेंगे तो बी और डीएल सेम डायरेक्शन में है, सो ये क्या होगा, बी डीएल होगा, मतलब लिख सकते हैं ये जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, जीरो प्लस ये कितना होगा, बी डी एल से बी से लेके सी तक बी डीएल, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। उसके बाद आते हैं बी सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक इसमें भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी जीरो प्लस, ए डी से लेके तक, डी से ये कहां है, बाहर है, बाहर है ना, सॉलिड के बाहर, सॉलिड के बाहर मैंने बोला था वीक होता है, एकदम वीक होता है, मतलब जीरो है, है ही नहीं, जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, करंट एनक्लोज्ड। हाँ लिख लो इसको, लिखो 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 लिखो, काम हो गया, बस हो गया, इतना आसान है, ठीक है, काम खत्म। तो बचा क्या, सिर्फ यही बचा, बाकी तो जीरो जीरो हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ, रब कर दिया, इसको भी रब कर देता हूँ, इसको भी रब कर दे, इसको 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 सब पर रब कर देता हूँ, ठीक है। हाँ तो क्या बचा, जो बचा उसको लिख लो, बचा इंटीग्रेशन कहां से कहां, बी से सी तक, किसको, बी डी एल को, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, करंट एन एन क्लोज्ड, ठीक है। आप देखो करंट एनक्लोज्ड की बात करते हैं, करंट एनक्लोज कितना है, लेट लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ लेंथ एल, इस एल लेंथ में कितना होगा, एक रुपए में, भैया एक रुपए में दस पेन मिलता है, दस रुपए में कितना मेल मिलेगा, सो दस पेन ही मिलेगा, एक रुपए में एक पेन मिलता है, दस रुपए में दस पेन ही मिलेगा, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब वन लेंथ में एन है, तो एल लेंथ में कितना होगा, एन इंटू एल, और आई इज द करंट फ्लोइंग इन ईच टर्न, हर टर्न में कितना करंट है आई, तो टोटल करंट एनक्लोज, टोटल करंट करंट एनक्लोज कितना होगा, एन एल इंटू आई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, एक टर्न में कितना है आई है, टोटल टर्न कितना है एन एल, तो टोटल करंट कितना हुआ, एन एल इंटू आई, बस इसको उठा के यहां पे रख दो, इसको रफ कर दो, रफ कर दो, लिख लो इसको स्क्रीनशॉट, हाँ भैया इसको पोज करो, स्क्रीनशॉट करो, इसको लिखो, ठीक है, यही तो इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो हो गया खेल तमाम। अब यहाँ पे ये बी क्या है, बी तो इस लाइन में बी क्या है, हर जगह सेम है,
तो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ये ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। हम बाद में बोलेंगे कि यहाँ पे आएगा तो कम हो जाएगा, लेकिन ये बहुत अंदर है, सोलनॉइड के बहुत अंदर हमने लिया है इस पॉइंट को। तो बी क्या कॉन्स्टेंट मान दिया, इंटीग्रेशन डीएल, तो इंटीग्रेशन डीएल बी से सी डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ मिलेगा, लेंथ मिलेगा, तो वी का एल बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, यहाँ पे कहाँ मिला था एन एल आई, काटो ना एल ओ एल को काटो, तो बी इज इक्वल टू कहाँ मिला, हाय 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 मेरा चौक, हाय हाय हाय, तो कहाँ मिला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन का आई। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। हाँ, तो इसका एंड पे कितना होता है, ये एंड पे कितना होता है, तो एंड पे देखा गया है कि एट द एंड्स, ये प्रूफ नहीं करना है, एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब यहां पे और यहां पे ये एंड्स है ना, एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड B इज इक्वल टू इसका आधा होता है, बीच में जितना होता है ना उसका आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे, मतलब आधा हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, आधा आधा हो जाता है, यहाँ पे आते 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 इधर आते आते तो कम होते होते तो यहाँ पे आके आधा हो जाता है, तो म्यू नॉट एन आई बाई, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो कैसा होगा ग्राफ, तो कैसा होगा ग्राफ, ये लास्ट है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद काम था तमाम, पॉज करके स्क्रीनशॉट करके लिख लियो, खुद तो लिखना नहीं है, कहीं से लिखने में दिक्कत है तुम लोगों को। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, आय हाय ये ये ये, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट मतलब सपोज इसका लेंथ है कुछ, इस सोलेनॉइड का हमारा लेंथ है कुछ भी लिख दो एल, कैपिटल एल है, तो ये यहां से यहां तक कितना होगा, आधा होगा, ये मिडिल पॉइंट है, सेंटर है अगर, तो ये कितना होगा एल बाई टू, ये कितना होगा एल बाई टू, तो ये यहां से एल बाई टू और ये माइनस एल बाई टू, और ये सेंटर है, पी से इधर एल बाई टू, इधर एल बाई टू, तो सेंटर में सबसे ज्यादा होता है और यहाँ एल बाई टू पे कितना होता है आधा हो जाता है, आधा आधा ये ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड बी। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द ग्राफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए फॉर ए सोलेनॉइड। सो आज का हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉरॉइड की बात करेंगे, ठीक है। सो तो बहुत हो गया आज के लिए, बहुत हो गया, थैंक यू।